हाई एवरी वन वेलकम टू ब्लू प्रिंट डिजिटल मेरा नाम तोशी चौधरी है और हम पढ़ रहे थे मैथ्स क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर नंबर इलेवन थ्रीवि ज्योमिथी यानी थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री इसमें हमारे सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम शुरू करेंगे कुछ मिले जुले प्रश्न यानी मिसलेनियस क्वेश्चन जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है ये समतल आर डॉट एस माइनस टू टी आर प्लस थ्री माइनस टी जे प्लस टू एस माइनस ट्री के बराबर फिफ्टीन को कार्तीय रूप में लिखिए ये आपको एक प्लेन की समीकरण दी गई है आर डॉट एन बराबर डी टाइप में ठीक है और आपको क्या है इसको कार्टीजन फॉर्म में बनाना है कार्तीय रूप में बनाना है तो क्या करना है सिंपली केवल आर को कार्तीय रूप में बनाना है तो आप इसको मान लीजिए एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के ये घटक फॉर्म में दिया हुआ है इसको भी आप घटक रूप में लिख लीजिए ठीक है माना आर बराबर दस तो जो दी गई समीकरण है वो हमारी क्या हो जाएगी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट ये इसके बाद एस माइनस टू टी आई ये पूरा ऐसी कॉपी हो जाएगा एस माइनस टू टी आई प्लस थ्री माइनस टी जे प्लस टू एस प्लस टी के बराबर फिफ्टीन जब इसकी और इसकी डॉट प्रोडक्ट होगी तो i वाले की मल्टीप्लाई i के साथ होगी और आई स्क्वायर वन हो जाएगा यानी क्या बचेगा एक्स इंटू एस माइनस टू टी एक्स इंटू एस माइनस टू टी प्लस वाई इंटू ये जे का कॉफिशेंट थ्री माइनस टी प्लस जेड इंटू के का कॉफिशेंट टू एस प्लस टी बराबर इधर फिफ्टीन है तो फिफ्टीन ही आ जाएगा या आप इसको कैसे कर सकते हैं आपका आंसर आ चुका है या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एस माइनस टू टी एक्स प्लस थ्री माइनस टी वाई प्लस टू एस प्लस टी जेड बराबर फिफ्टीन यहाँ पर आपको टी एस टी और s से कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कॉन्स्टेंट से यहाँ पर आपको नंबर की जगह पर एस और टी दिए गए हैं लेकिन उनका कोई ऐसा स्पेशल रूल नहीं है आप अपने क्वेश्चन को ऐसे ही कीजिए यूजुअली जैसा आप करते हैं आपने आर की जगह पर रखा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के और इसको सॉल्व कर दिया ये आ गई हमारी कार्टिजन फॉर्म प्लेन की नेक्स्ट क्वेश्चन बिंदु टू आई प्लस जे माइनस थ्री के से जाने वाले और समतल आर डॉट आई माइनस टू जी बराबर सेवन के समांतर समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए हमें क्या निकालना है ये जो प्लेन दिया गया है इसके समांतर प्लेन निकालना है अगर कोई प्लेन इस प्लेन के समांतर है तो उनमें केवल जो कांस्टेंट टर्म है ये डी केवल इसका डिफरेंस होगा क्योंकि लाइंस में भी हमने पढ़ा टू 2d में भी हमने पढ़ा है, सिमिलरली यहां भी ऐसे ही होगा केवल इसमें डिफरेंस आएगा यानी समतल आर डॉट i माइनस टू जे बराबर सेवन के समांतर समतल का समीकरण क्या होगा r डॉट i माइनस टू जे बराबर डी केवल कांस्टेंट में डिफरेंस आएगा ठीक है लेकिन समतल तो हमने निकाल दिया लेकिन ये जो समतल है ये इस पॉइंट से पास होकर जा रहा है ठीक इसकी जगह पर आपको यह भी दे सकते थे कि बिंदु टू वन माइनस थ्री से पास होकर जा रहा है इन्होंने इस फॉर्म में दे दिया तो भी वही बात है तो जब यह वाला प्लेन इस बिंदु से पास होकर जा रहा है तो ये यह बिंदु इसको सेटिस्फाई करेगा चूंकि यह समतल बिंदु टू आई प्लस जे माइनस थ्री के से होकर जाता है इसलिए हम क्या बोल सकते हैं इसलिए सेटिस्फाई करा दीजिए आर की प्लेस पर ये रख दीजिए टू आई प्लस जे माइनस थ्री के डॉट आई माइनस टू जे बराबर डी सेटिस्फाई करा दिया यहाँ से डी का मान निकालिए पहले इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट इधर से कितना आएगा आई के कॉपिशन से टू J के कॉफिशियंट से माइनस टू के के कॉफिशियंट से जीरो क्योंकि यहां पर के का कॉफिशियंट जीरो है बराबर डी यहां से डी का मान कितना आ गया जीरो इस डी का मान समीकरण एक में रख दीजिए तो आपके उसी समतल का समीकरण आ जाएगा जो ज्ञात करना है अतः अभिश समीकरण हमारा क्या हो गया समतल का समीकरण आर डॉट आई माइनस टू जे बराबर जीरो ये हो गया आपके समतल का समीकरण इसके समांतर समतल का समीकरण जो इस बिंदु से पास होकर जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि की रेखाएं x माइनस ए प्लस डी अपॉन एल्फ़ा माइनस डेल्टा बराबर y माइनस ए अपॉन एल्फ़ा बराबर z माइनस ए माइनस डी अपॉन एल्फ़ा प्लस डेल्टा और x माइनस बी प्लस सी अपॉन बीटा माइनस गामा बराबर y माइनस बी अपॉन बीटा बराबर z माइनस बी माइनस सी अपॉन बीटा प्लस गामा समतल्य हैं। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है दो समीकरणें दी गई हैं रेखाओं की और हमें करना है कि ये दोनों रेखाएँ समतलीय हैं जब दो रेखाएँ कार्टिजन फॉर्म में दी हुई होती हैं तो उनके समतल्य होने का प्रतिबंध क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं देखिए अगर हमारे पास दो रेखा x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन बराबर वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन और x माइनस एक्स टू अपॉन बी टू ए टू वाई माइनस वाई टू अपॉन बी टू जेड माइनस जेड टू अपॉन सी टू समतल्य होती हैं तो उनका प्रतिबंध उनके समतल्य होने का प्रतिबंध क्या होता है एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू बराबर जीरो ये होता है समतलीय होने का प्रतिबंध अगर क्लियर नहीं है तो इस चीज को क्लियर कीजिए क्योंकि हम इस सबको डिस्कस कर चुके हैं आप अपनी प्रीवियस वीडियोस पर जाकर इस चीज को क्लियर कर सकते हैं ठीक है ठीके? आगे चलते हैं तो इन दोनों रेखाओं के समतलीय होने का प्रतिबंध ये हो गया जहां अब ये हमें पता होना चाहिए कि x1, y1, z1, x2, y2, z2, a1, b1, c1, a2, b2, c2 क्या है क्योंकि हमारी रेखा की समीकरण होती है x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन यानी ये तो है हमारा x1 और ये है हमारा a1 x1 एक्स वन कितना हो गया इसको हम क्या लिख सकते हैं x माइनस ए माइनस डी अपॉन एल्फा माइनस डेल्टा ये लिख सकते हैं हम इस पार्ट को अगर कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल इक्वल है तो दोनों तो यहां से x1 कितना निकल कर आया a- माइनस डी एक्स वन माइनस ए प्लस डी नहीं है x1 है a- माइनस डी इसी तरीके से a1 भी लिख लीजिए साथ के साथ a1 कितना है अल्फा माइनस x1 एक्स वन ए वन आ गया एक्स टू ए टू वाई वन बी वन लिख लीजिए पहले वाई वन एक्स वन ईवन हो गया वाई वन ए वन एल्फा एक्स टू एक्स वन वाई वन जेड वन रहा, कितना आएगा ए प्लस डी और ए वन बी वन सी वन सी वन कितना आएगा एल्फा प्लस डिल्टा तो इसको इस वाली रेखा को x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन से कंपेयर करके हमने x1, a1, y1, b1, z1, c1 बी वन जेड वन सी वन के मान निकाल लिए हैं बिल्कुल इसी तरीके से हम निकालेंगे इस वाली समीकरण से x2, a2, y2, b2 और z2, c2 के मान x2 कितना हो जाएगा यहाँ से

और C2 टू बीटा प्लस गामा देखिए ये वैल्यूज़ में बहुत ध्यान से लिखिएगा क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कि बहुत सारे लेटर्स हमें एक साथ यहाँ पर लिखने पड़ते हैं ठीक है ठेके? तो इनको लिखने के बाद एक बार रीचेक ज़रूर कर दीजिए चलिए हमने ये सब लिख लिया अब हम करते हैं इस इन सब वैल्यूज़ को हम एल में रखते हैं अगर ज़ीरो मिल गया तो रेखाएं समतली हैं चलिए इसलिए x2 टू माइनस एक्स वन बी माइनस सी माइनस ए माइनस डी ठीक है वाई टू माइनस वाई वन वाई टू हो गया आपका ये रहा b माइनस वाई वन हो गया a जेड टू माइनस जेड वन बी प्लस सी माइनस जेड वन ए प्लस डी फर्स्ट रो आ गई हमारी सेकेंड में ए वन बी वन सी वन ए वन आ गया एल्फा माइनस डेल्टा ए वन बी वन आ गया एल्फा सी वन आ गया एल्फा प्लस डेल्टा ए टू बी टू सी टू ए टू कितना है बीटा माइनस गामा बी टू है बीटा और सी टू है बीटा प्लस गामा ये आ गया ठीक है इन सब की वैल्यूज यहां से उठा के हमने इसमें रख ली सारणिक में अब इसको सॉल्व करते हैं इसलिए की बजाय है चूकी लगाइए चूकी ये बराबर जीरो प्रूफ करेंगे हम अभी यहां पर आप एक काम कीजिए ये जो कॉलम है सी वन सी वन में सी थ्री को ऐड कर दीजिए यानी हम क्या करेंगे C1 में C1 वन प्लस सी कर देंगे उससे ना हमारा डेल्टा और गामा कैंसिल हो जाएंगे चलिए इधर देखिए कितना आएगा B माइनस सी माइनस ए प्लस डी ये फर्स्ट कौल, कॉल फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट है इसमें ये वाला ऐड होगा कितना ऐड हो जाएगा B प्लस सी माइनस ए माइनस डी ये हमारा भी पहला अवेव आया सानिक का ठीक है इसी तरीके से दूसरा दूसरे में कोई चेंज नहीं होगा एज इट इज रहेगा क्योंकि हमने सिर्फ फर्स्ट वाले में चेंज किया है थर्ड वाला भी एज इट इज रहेगा बी प्लस सी माइनस ए माइनस डी सेकेंड वाली रो की बात करते हैं एल्फा माइनस डेल्टा प्लस एल्फा प्लस डेल्टा इसमें ये ऐड कर दिया ठीक है सेकेंड वाला हमारा इज रहेगा एल्फा ये भी इट इज रहेगा एल्फा प्लस डेटा थर्ड रो में चलिए बीटा माइनस गामा प्लस बीटा प्लस गामा ये एज ये एज इतना आ गया इसको सिंप्लीफाई करते हैं सी से सी कैंसिल डी से डी कैंसिल कितना आ गया बी माइनस है प्लस बी माइनस है यानी टू इंटू बी माइनस है यहाँ पे अल्फा से अल्फा कैंसिल होके टू अल्फा आएगा यहाँ पे गामा से गामा कैंसिल होके टू बीटा आएगा यहाँ पर भी डबल आ रहा है बी माइनस का यहाँ पर भी डबल आ रहा है अल्फा का यहाँ पर भी डबल आ रहा है बीटा का तो मैं पूरे कॉलम में से टू बाहर ले रही हूँ कॉमन टू बाहर ले लिया कितना बचा यहाँ बचा बी माइनस ए यहाँ बचा एल्फा यहाँ बचा बीटा ठीक है ये एज इट इज है बी माइनस ए एल्फा बीटा थर्ड वाला बी प्लस सी माइनस ए माइनस डी एल्फा प्लस डेल्टा बीटा प्लस गामा ये आ गया सारणिक मेरा अब देखिए इस सारणी का मान कितना है क्योंकि ये वाला कॉलम इस वाले कॉलम के बिल्कुल बराबर है इसलिए इस सारणी का मान हो जाएगा जीरो क्योंकि सारणी के जब भी कभी दो पंक्तियां या दो स्तंभ बराबर होते हैं तो सारणी का मान जीरो होता है तो हमने यहां पर क्या किया हमने इसको जीरो के बराबर प्रूफ कर दिया चूंकि ये वाला सारणी जीरो आ गया आते हम कह सकते हैं कि दी गई दोनों रेखाएं समतलीय हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बिंदु थ्री माइनस वन टू फाइव टू फोर और माइनस वन माइनस वन सिक्स से होकर जाने वाले समतल यानी इन तीन बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल और बिंदु सिक्स फाइव नाइन के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए यहाँ पर आपको क्या करना है एक समतल और एक बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करनी है हम एक समतल और एक बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना सीख चुके हैं लेकिन उससे पहले आपको समीकरण भी निकालनी है समतल की और कौन से समतल की समीकरण निकालनी है जो इन तीन बिंदुओं से होकर जाता है और हम तीन बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण भी जानते हैं क्या होता है तीन बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण x माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन पहली रो सेकेंड में x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, x3 minus x1, y3 minus y1, z3 minus z1 बराबर ज़ीरो हो गया आपके बिंदु x1, y1, z1, x2, y2, z2 और x3, y3, z3 से होकर जाने वाले समतल का समीकरण चलिए इसे मान रख दीजिए x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3 का तो क्या आ जाएगा x माइनस एक्स वन थ्री यहीं से कॉपी कर करके रखते रहेंगे x माइनस थ्री y माइनस वाई वन ये रहा वाई वन माइनस वन माइनस माइनस प्लस जेड माइनस जेड वन टू एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स वन फाइव माइनस थ्री टू वाई टू माइनस वाई वन थ्री जेड टू माइनस जेड वन टू एक्स थ्री माइनस एक्स वन माइनस वन माइनस थ्री माइनस फोर माइनस वन प्लस वन जीरो सेक्स माइनस टू फोर बराबर जीरो सिंप्लीफाई कीजिए एक्स माइनस थ्री ट्वेल्व माइनस ज़ीरो ठीक है इनकी प्रोडक्ट माइनस इनकी प्रोडक्ट माइनस वाई प्लस वन ये छिपेगा कितना आएगा एट माइनस माइनस एट यानी प्लस एट प्लस जेड माइनस टू ये छिप जाएगा जीरो माइनस माइनस प्लस ट्वेल्व बराबर जीरो ठीक है और सिंप्लीफाई कर दीजिए ट्वेल्व एक्स माइनस थर्टी सिक्स सिक्सटीन वाई सिक्सटीन इंटू वन सिक्सटीन माइनस का ट्वेल्व जेड माइनस ट्वेंटी फोर बराबर जीरो ठीक है कितना आ गया ट्वेल्व एक्स माइनस सिक्सटीन वाई प्लस ट्वेल्व जेड थर्टी सिक्स ट्वेंटी फोर और सिक्सटीन ये हो गया आपका थर्टी सिक्स और ट्वेंटी फोर सिक्सटी सेवनटी सेवनटी सिक्स माइनस सेवनटी सिक्सटी सेवन बराबर जीरो इसमें फोर से डिवाइड कर दीजिए पूरी इक्वेशन में और सिंप्लीफाई हो जाएगी कितना आ जाएगा थ्री एक्स माइनस फोर वाई प्लस थ्री जेड माइनस नाइनटीन बराबर जीरो तो देखिए ये क्या आ गई है ये आई है अब समतल की समीकरण जिसकी इस बिंदु से दूरी आपको फाइंड आउट करनी है ठीक है अब क्या करना है अब इसकी इस बिंदु से दूरी निकाल दी है क्या होती है दूरी प्लेन और बिंदु के बीच की दूरी ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन माइनस डी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ठीक है यही होती है दूरी दूरी का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं इसको अभिष्ट दूरी यानी इस समतल की इस बिंदु से दूरी हो गई हमारी ये जहां पर ए बी सी डी ए बी सी डी एक्स प्लस बीवाई प्लस सी जेड प्लस डी ये होती है ना समीकरण या फिर माइनस डी भी ले, ले लेते हैं यहाँ पर माइनस डी लिया हुआ है ठीक है और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी सी यही वाले हैं और एक्स वन वाई वन जेड वन क्या है ये बिंदु है ठीक है अब इस बिंदु की और इस प्लेन के बीच की दूरी निकालने के लिए इस वाले फॉर्मूले में मान रख दीजिए तो आपकी अभीष्ट दूरी आ जाएगी रखिए a यानी थ्री इंटू एक्स वन यानी सिक्स प्लस बी यानी माइनस फोर इंटू वाई वन यानी फाइव प्लस सी यानी थ्री इंटू जेड वन यानी नाइन माइनस नाइनटीन ये वाला एज इट इज आ जाएगा ठीक है डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर नाइन प्लस बी स्क्वायर सिक्सटीन प्लस सी स्क्वायर नाइन ठीक है कितना आया एटीन माइनस ट्वेंटी प्लस नाइन थ्री जो ट्वेंटी सेवन थ्री एटीन फोर फाइव जो ट्वेंटी थ्री जो ट्वेंटी माइनस नाइनटीन अपॉन अंडर रूट अंडर रूट में कितना ट्वेंटी फाइव थर्टी फोर ये कितना आ गया सत्ताईस और अट्ठारह मिलकर कितना आ गया पाँच अच्छा पैंतालीस हो गया और बीस और उन्नीस मिलकर कितना हो गया थर्टी नाइन ये आ गया अंश में और हर में क्या आ गया अंडर रूट थर्टी फोर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए फोर्टी फाइव माइनस थर्टी नाइन सिक्स अपॉन रूट थर्टी फोर यह आ गई हमारी दूरी ठीक है या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हैं नहीं कॉमन तो कुछ नहीं आएगा तो आपको इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा क्योंकि सेवनटीन टू जो थर्टी फोर आएगा ना तो पेयर किसी का नहीं बनेगा तो सिक्स अपॉन रूट थर्टी फोर इकाई आ गई हमारी इस प्लेन और इस बिंदु के बीच की दूरी तो बच्चों इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर इलेवन थ्री डी खत्म होता है अभी नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग यानी रैखिक प्रोग्रामिंग आज की वीडियो के ऊपर बेस्ड आपका क्वेश्चन है ये रेखाओं x माइनस एट अपॉइंट थ्री बराबर वाई प्लस नाइन्टीन अपॉइंट माइनस सिक्सटीन बराबर जेड माइनस टेन अपॉइंट सेवन और x माइनस फिफ्टीन अपॉइन्ट थ्री बराबर वाई माइनस ट्वेंटी नाइन अपॉइंट एट बराबर जेड माइनस फाइव अपॉइंट माइनस फाइव की लंबवत तथा बिंदु वन टू माइनस फोर से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए दो रेखाएं गिवन हैं आपको उस रेखा का समीकरण निकालना है जो इन दोनों की लंबवत है और जो इस बिंदु से पास होकर जाती है तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन uh, आपने करना है हमें आंसर लिख भेजना है साथ के साथ बच्चों आपको ये भी बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी अच्छी लगी हो तो हिट ए लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लीनियत प्रोग्रामिंग के साथ डोंट मैसेज